हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट की, और गुड़गांव के रियल एस्टेट में भी एक ऐसे प्लेयर की बात करेंगे जिसको लेकर मैंने एक बहुत बड़ा नाम दिया है। आपने इस वीडियो का जो थंबनेल था उसमें नाम ही उसका देख लिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिग्नेचर की। सिग्नेचर का हम यहाँ पर इस वीडियो में कोई प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं करेंगे, हम सिग्नेचर डेवलपर की बात करेंगे और सिग्नेचर डेवलपर के क्या प्लान्स हैं उस पर बात करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के इस डेवलपर को नाम दिया है गुड़गांव न्यू डीएलएफ सिग्नेचर। वो क्यों मैंने नाम दिया है इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल पता लगेगी, और आपको पता लगेगा कि सिग्नेचर कैसे गुड़गांव के रियल एस्टेट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है। अब से पहले जब भी गुड़गांव की बात होती थी, गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात होती थी, तो नाम डीएलएफ का लिया जाता था। बट सिग्नेचर की जो नई जर्नी स्टार्ट हो रही है उसमें अगला नाम डीएलएफ के बाद सिग्नेचर का भी लिया जाएगा। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं propertylenedeen.com चैनल। मैं हूं आपका होस्ट भूपेंद्र सिवाग, और मेरे साथ हैं सिग्नेचर ग्रुप से मिस्टर मनोज जी। मनोज जी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो आज मैं मनोज जी से पूरा का पूरा डिकोड करूंगा सिग्नेचर की क्या स्ट्रेटेजी है, सिग्नेचर का क्या प्लान्स है, और सिग्नेचर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सिग्नेचर के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं उस पर बात करने से पहले हमारे लिए और आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि सिग्नेचर ने अभी तक क्या अचीव कर लिया है, क्या कुछ 2023-24 में सिग्नेचर के माइलस्टोन रहे, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिग्नेचर के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उस पर बात करेंगे। तो मनोज जी बताइए, सिग्नेचर ने क्या कुछ अचीव कर लिया है कि आज सिग्नेचर का नाम डीएलएफ जैसे डेवलपर के साथ लिया जा रहा है। सर मैं अगर बात करूं उपेंद्र जी, किसी भी डेवलपर को हम जिस मकाम में पहुंचे वो ट्रस्ट की वजह से पहुंचे। कस्टमर ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इन दिस मार्केट इन रियल एस्टेट जी। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, आज हमें 10 साल से ऊपर हो गए हमारी जर्नी को, हमारे यहाँ पर हमारे कस्टमर की रिटेंशन ठीक है वो बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर आप देखेंगे मैं ईयर ऑन ईयर कस्टमर रिटेंशन हो रहा है, प्री सेल्स आर इंक्रीजिंग ऑन ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि कस्टमर का ट्रस्ट हमारे पे अभी भी है। तो ये सबसे बड़ा हमें अलग बनाता है, कस्टमर को हमारा रिटेन करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो हम हमेशा कस्टमर की लॉयल्टी जो हम बिलीव करते हैं। ये तो आपने सिग्नेचर के बारे में बताया कैसे कस्टमर का ट्रस्ट आपने जीता है, कैसे ट्रस्ट कस्टमर आपके ऊपर कर रहा है। मैं फिगर्स में उस स्टैट के साथ जानना चाहता हूँ सिग्नेचर के बारे में, वो थोड़ा बताइए। कुछ फिगर्स मैंने नोट डाउन किए हैं, कुछ होमवर्क मैंने भी किया है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं प्री सेल की बात करूँ 112% का इंक्रीज देखा गया है इस बारे। ओके। अगर मैं कलेक्शन की राइस की बात करूँ इट्स अराउंड 62% इन दिस ईयर। ओके। 72.7 billion प्री सेल वर्थ ऑफ यूनिट हमने सेल किया है। दैट शोज द कंपनीज क्रेडिबिलिटी, कंपनीज लॉयल्टी, ये सारी चीजें हमें एक इम्पोर्टेंट। 10 साल में आप इस जगह पहुंच चुके हैं कि आपने एक साल में करीब 7,000 करोड़ रुपए की सेल्स की है। Absolutely. ये That is what we are looking forward. यही हमें डिफरेंट करता है, यही हमें कुछ एक नई कंपनी, एक फैक्टर जिसपे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट व्हाट्स मेक सिग्नेचर। क्योंकि हम इसमें रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट का चैनल है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज भी देखते हैं, आपको पता होगा सिग्नेचर का शेयर किस तरह से जा रहा है, क्या है। मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा शेयर्स को लेकर सिग्नेचर के, बस मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। तो सिग्नेचर का जो ब्रांड था, सिग्नेचर जो डेवलपर था, आज से कुछ टाइम पहले तक उसका नाम लिया जाता था एक अफोर्डेबल ब्रांड के तौर पे। बट इसकी सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है सिग्नेचर की वो ये रही है कि उसने अपने आप को अफोर्डेबल से लग्जरी में इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लिया। इनका जो प्रोजेक्ट आया था कुछ दिन पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे 37DXP के नाम से, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और इन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया अपने लग्जरी प्रोजेक्ट को भी सेल करके। तो अब एक तरह से ये लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं, अब इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट लग्जरी ही देखने को मिलेंगे। इनकी फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं उसको हम जान लेते हैं। खास तौर पे इनका जो सबसे बड़ा फोकस है इस बार गुड़गांव में वो SPR रोड को लेकर है। SPR रोड को लेकर किस सेक्टर में क्या इनका फोकस रहेगा और किस तरह का इनका प्लान रहेगा वो जान लेते हैं कि सेक्टर 71 को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं। जी बताइए। हमारे फ्यूचर प्लान अगर मैं बात करूँ, नॉट जस्ट इन वन सेक्टर, वी आर गोइंग टू यू नो हर एक सेक्टर पर हम डेवलप करने वाले हैं।
आप देखेंगे गुड़गांव के अंदर भी, गुड़गांव के बाहर भी हमारा मेजर डेवलपमेंट आने वाला है। मोर देन अगर मैं बात करूँ 500 एकर्स हमारे पास ऑलरेडी इन प्लेस है जहाँ पर हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ 30 मिलियन स्क्वायर फीट वी हैव प्लान इन दिस 5 to 6 ईयर जो हम डेवलप करेंगे। ओके, सो आई थिंक हमारे पास काम करने के लिए बहुत है, सप्लाई हम करने के लिए हम ऑलरेडी ईगर हैं, और आई थिंक लोगों का ट्रस्ट इतना है कि हम इस काबिल हैं कि आज हम इतने सप्लाई के लिए रेडी रहें। और एक खास चीज़ जो देखने को मिली, पहली बार सिग्नेचर ने लग्जरी सेगमेंट में एंट्री करी, और पहली बार एंट्री करने के साथ ही ना सिर्फ इंडिया बल्कि जो NRIs बाहर बैठे हैं उन्होंने भी बहुत ट्रस्ट दिखाया इनके साथ। बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन हमने भी किए हैं इनके साथ, NRIs कस्टमर के साथ। तो एक बड़ी चीज़ है कि NRI कस्टमर जो इंडिया से बाहर है वो भी सिग्नेचर के साथ ट्रस्ट कर रहे हैं। इनके पास करीब 500 से 700 एकड़ लैंड है, और इनका ये मानना है कि हम हर क्वार्टर में करीब 100 एकड़ लैंड है उस पर डेवलपमेंट लेकर आएंगे। तो एक बहुत बड़ी ये इनकी प्लानिंग है। अब मैं फिर वापस आ जाता हूँ सेक्टर 71 पे। मैं सेक्टर 71 पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, SPR रोड पे ये सेक्टर पड़ता है, इससे थोड़े ही आगे DLF का मेजर लैंड बैंक है, बहुत बड़ा चंक है वहाँ पर DLF का। DLF की उसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आने वाले दिनों में और वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ उसके पास रेजिडेंशियल कमर्शियल लैंड है, तो उसके पास में ही सिग्नेचर की क्या तैयारी है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी बताइए। सो अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो हमारा पूरे सेक्टर को डेवलपमेंट एक टाउनशिप में कन्वर्ट करने का सेक्टर 71 के टोटल कितना लैंड है सेक्टर 71 में? 100+ acres है हमारे पास वहाँ पर डेवलप करने। मैं टोटल सेक्टर की लैंड की बात कर रहा हूँ। टोटल अगर मैं सेक्टर की बात करूँ 430 acres लैंड पार्सल है टोटल सेक्टर। ओके, इसमें यूजेबल 360 acres के आसपास यूजेबल है। तो मोटा मोटा मान के चले कि 39-40% आपके पास है। एब्सोल्युटली। आप इसको पूरा डेवलप करना चाहते हैं, 100 and 120 acres लैंड है, इसको पूरा एक टाउनशिप के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं। एक टाउनशिप के तौर पे हम आने वाले टाइम पे इस पूरे सेक्टर्स को टाउनशिप पे हम क्या कुछ प्लानिंग है थोड़ा सा रिवील करें। सर अभी प्लानिंग स्टेज पे है। ओके, वी आर प्लानिंग कि हम इसको कम्प्लीटली एक टाउनशिप लुक रहे हैं जहाँ पर आपके हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारा कुछ डेवलपमेंट सारा कुछ सिग्नेचर ग्लोबल करें। दैट इज वॉट वी आर प्लानिंग, अ मैसिव डेवलपमेंट इंटायर पूरे सेक्टर को हम चेंज करने के लिए हम थॉट कर रहे हैं। ओके, एक ब्यूटीफुल सेक्टर आए जहाँ पर गोल्फ कोर्स से लेकर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हम करें। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ ये सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 71 में अपनी डेवलपमेंट लेकर आने वाले हैं वहाँ पर ये गोल्फ भी प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, 7 holes गोल्फ भी आपको इस टाउनशिप में जो मोर देन 100 acres की होगी सिग्नेचर की, आपको गोल्फ देखने को मिलेगा। जब गोल्फ कोर्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ सिग्नेचर अपना गोल्फ कोर्स लाने की बात कर रहा है उसके 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है या सर्कल है वहाँ आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 गोल्फ कोर्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको पता है 250 एकड़ का करवा लेक लैंड है, उसमें 78 एकड़ का गोल्फ है। उसके बाद हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं सेक्टर 79 में। सेक्टर 79 में M3M का गोल्फ हिल्स के नाम से प्रोजेक्ट है, उसमें आपको गोल्फ देखने को मिलेगा। अभी हाल में ही DLF ने सेक्टर 76 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, फ्यूचर में वहां पर DLF की भी प्लानिंग है कि वहां पर वो एक गोल्फ कोर्स लेकर आए, और उसके बाद सिग्नेचर भी सेक्टर 71 में गोल्फ लेकर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 किलोमीटर की इस परिधि में आपको 4-4 गोल्फ कोर्स देखने को मिलेंगे। गोल्फ कोर्स का कहने का मेरा जो मतलब है वो ये है कि आपको ओपन स्पेस ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और सेक्टर 71 के पास में आपको 10,000 acres जो DLF ने प्रमोट किया था अपना प्रोजेक्ट, तो सेक्टर 71 से भी उसकी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 10,000 acres अरावली का ग्रीन कवर है। तो फ्यूचर में वहाँ आपको किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो सिग्नेचर ने भी बहुत सोच समझ के सेक्टर 71 का प्लान किया है अपना 100 acres की टाउनशिप का। उसको पता है कि कितनी स्ट्रेटेजिक और कितनी अच्छी ये लोकेशन है, तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि सिग्नेचर ने बाकी जगह छोड़ के, बाकी जगह कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मानेसर में इनके पास मोर देन 100 acres लैंड है, इनके पास सोना में मोर देन 100 acres लैंड है। तो उन सब को छोड़ के इन्होंने पहले इस पर फोकस किया है। अगर इसमें ये बहुत सक्सेसफुल रहे तो मुझे लगता है कि इनके जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इन्हें बेचने में बड़ी आसानी रहेगी। मैं ठीक हूँ? बिल्कुल आप सही हैं। हम जो भी लोकेशन चूज़ करते हैं वहाँ पर हम इस तरीके से लैंड बाई करते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो। अगर मैं SPR की बात करूँ, आजकल मेजर डेवलपमेंट SPR पे हो रहा है। आप
आपने बहुत जगह सुना होगा कि डीएलएफ साइबर सिटी 2 आ रहा है जी। 72 अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, टीओडी का सेक्टर है जहाँ पर मैसिव ऑलरेडी मेट्रो प्लान्ड है, ऑलरेडी डेवलपमेंट कॉमर्शियल्स प्लान्ड है। सो हमारा जब भी लैंड बाय हम करते हैं बहुत स्ट्रैटेजिकली लैंड बाय करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि वो लग्जरीनेस जिस सेक्टर में हम घुसे हैं वो हम प्रोवाइड कर पाए। दैट इज द वे हम प्लान कर रहे हैं कि हम ज़्यादा लैंड एक्वायर करें एक जगह और उस हिसाब से हमारी खुद की प्लानिंग हो टाउनशिप की। दैट इज़ वॉट वी आर प्लानिंग। तो आपको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्टर 76 सेक्टर 77 के बारे में बताया था क्या वहाँ आने वाला है। वहाँ पे मॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, सिग्नेचर का मिलेगा, डीएलएफ का मॉल आपको देखने को मिलेगा, साइबर सिटी 2 देखने को मिलेगी, आईटी का एससीजेड आपको देखने को मिल सकता है। और जो आ चुका है उस पर बात कर लेते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस आ चुका है, जहाँ इनका प्रोजेक्ट आ रहा है उससे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा वो दूरी नहीं है। और वहाँ पर आप देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस ने पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा अपना ग्लोबल ऑफिस ये सेक्टर 74 में खोला है, ओपन किया है। यहाँ पर करीब 10,000 एम्प्लॉय काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इनपुट्स हमारे पास हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे लगता है फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ें इतनी बड़ी हैं तो लोगों तक, कुछ लोग होंगे उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे, उन तक ये नए वीडियो पहुँचेगा तो उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर गूगल भी लैंड बाय कर चुका है, डेलॉयट का भी लैंड बाय हो चुका है और इसके अलावा आपको पता ही है कि कुछ दूरी पर 20 साल के लिए ऑलरेडी एयर इंडिया ने भी लैंड लिया जहाँ उसका ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं। अब आप सोचिए कि भी वो बहुत लैंड, बहुत मैसिव लैंड खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट होगी। जब भी गुड़गांव में रियल एस्टेट की बात होती है गोल्ड कोर्स का नाम लिया जाता है, एक्सटेंशन का नाम लिया जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम लिया जाता है। बट अब एसपीआर की भी बारी है। एसपीआर भी एक निकल के माइक्रो मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि टक्कर लेता हुआ आपको दिखाई देगा। और एसपीआर को लेकर भी आपको पता है कि गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है, इस रोड को पूरा वाइड किया जाएगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ अंडरपास आएंगे, फ्लाईओवर्स आएंगे। कई सालों से सरकार की प्लानिंग है। सरकार के काम आपको पता है थोड़े डिले चलते हैं पर होते हैं। जिस दिन इस रोड की डेवलपमेंट गोल्ड कोर्स रोड की तरह हो गई तो आप देखेंगे कि गोल्ड कोर्स रोड को ये एसपीआर टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। और बताइए सिग्नेचर के और किस तरह के फ्यूचर के प्लान्स है? सो ज़्यादातर हमारे प्लान है कि हम मिक्स यूज़ लैंड डेवलपमेंट में लेके आए। बहुत जगह सेक्टर्स में हमारे मेजर आप देखेंगे 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मिक्स लैंड यूज़ के रहेंगे हमारे पास, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी आएंगे, फ्लोर्स भी आएंगे, विलास भी आएंगे, प्लॉट्स भी हैं। सो हम जो भी अभी प्लान करेंगे जितने भी हमारे बड़े बड़े लैंड पार्सल है उसमें हम मिक्स यूज़ लैंड लेके आएंगे। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि हम ट्राई करते हैं कि पूरा का पूरा टाउनशिप डेवलप करें, सो उसी तरह हम जितने भी अब लैंड बाई कर रहे हैं वो थोड़े लैंड पार्सल करीबन 100 एकर्स प्लस बाई कर रहे हैं सो दैट इस पर पूरा डेवलपमेंट हो पाए। कनेक्टिविटी की बात करें, आपका जो सेक्टर 71 में टाउनशिप का प्लान है 100 एकड़ का, तो कौन कौन से मेजर रोड है एक बार हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा बताएंगे? क्योंकि आपने जब यहाँ प्लान किया होगा 100 एकड़ का तो कुछ ना कुछ आपने कनेक्टिविटी भी माइंड में रखी होगी। हमारी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है, मैं कोई भी लैंड पार्सल की बात करूँ स्ट्रीमलेस कनेक्टिविटी होती है। जस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमारा जो कनेक्टिविटी रहेगा NH-8 से भी कनेक्टिविटी रहेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी रहेगा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी कनेक्टिविटी रहेगा, तो दैट इज व्हाट मेक्स अ सोना रोड से भी आपका रहेगा, एक्सटेंशन से भी कनेक्टिविटी से भी आप स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है जिसकी मैं बात करूँ जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर को बाय करने में या किसी भी एंड यूजर को, क्योंकि उसके 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में उसको तीनों चीज इंपॉर्टेंट, एक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को ये 3 अगर पास में है तो उसका वो घर उसी हिसाब से वो चूज करता है, उसी किलोमीटर के हिसाब से चूज करता है। एक चीज और रेडियस में आ जाए, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, उसमें आप कॉर्पोरेट्स भी ऐड कर लीजिए क्योंकि आपके आसपास कॉर्पोरेट्स भी बहुत देखने को मिले, बहुत सारे हैं। बिल्कुल एंड डेफिनेटली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सिग्नेचर के साथ कोई अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है या कोई एंड यूज के तौर पर सिग्नेचर के साथ जाना चाहता है तो वो क्यों जाए? आपके पास ऐसा क्या है कि जो दूसरों के पास नहीं है? अगर मैं इससे आपको पास का हिस्ट्री ले चलता हूँ जी। मोर देन 40+ प्रोजेक्ट्स है हमारे, ठीक है। अगर बात करूँ, हमने 2014 से स्टार्ट किया था, 2019 तक हम अफोर्डेबल में थे, ऑलमोस्ट सारे हमने जितने भी बनाए वो डिलीवरिंग के स्टेज में या डिलीवर्ड हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनका ट्रस्ट,
जो हम फ्लोर्स बना रहे हैं ऑलरेडी स्टेज में है कि वो हम नेक्स्ट ईयर तक हम मोस्ट ऑफ द फ्लोर्स हम कंप्लीट करके देने वाले हैं। DDJAY के बात कर रहा हूँ मैं, जो 2019 से लेके 2023 तक चले हुए, लास्ट फ्लोर्स हम ही चला रहे हैं उनका ट्रस्ट। एंड जो अभी आपने मेरा DXP में देखा था जो ट्रस्ट, राइट। सो क्लाइंट के मन में जब भी मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूँ एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि ये डिलीवर टाइमली कर देंगे, इनका कंस्ट्रक्शन बेस्ट होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए हमारे, चाहे अफोर्डेबल ले लीजिए, फ्लोर्स ले लीजिए, जो ये DXP बना रहे हैं, सबकी कंस्ट्रक्शन हम ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन करते हैं। माइवन आपने सुना होगा एल्यूमिनियम शटरिंग टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं हम। सो हमारे जो नए टावर्स जो भी आने वाले हैं IGBC सर्टिफाइड होंगे हमारे, तो हम अपने कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन रहे हैं, जिससे लोग और लोगों का ट्रस्ट जो हम टाइम में डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंट हमें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपकी टाइमली डिलीवरी है, आप कस्टमर का जो है पैसा लगता है उसको टाइम पे उसको घर दे देते हैं, और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है आपकी, और तीसरा आप जो दूसरे डेवलपर्स हैं उससे एक प्राइस पॉइंट अलग हट के कस्टमर फ्रेंडली प्राइस में चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इसलिए लोग मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। राइट। आप हमारे कोई भी फ्लैट जो डिलीवर्ड आप देखने जाएंगे, ऑल आर ब्यूटिफुली मेंटेन। मुझे लगता है कि सिर्फ बनाना ही मकसद नहीं होता, उसको मेंटेन करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान, आप मेरे कोई भी प्रोजेक्ट में आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे दे आर ब्यूटिफुली मेंटेन, तो दैट मेक्स अ डिफरेंट। मेंटेनेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। मैंने देखा है कि हमारे सारे ब्यूटिफुली मेंटेन रहते हैं। अफोर्डेबल भी चेक करें तो आई बिलीव रेंटल वैल्यूज आर वेरी गुड, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि दैट दे आर सीइंग कि ईयर बाय ईयर कंपनी ग्रो कर रही है, साथ 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 उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू भी ग्रो कर। अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या होराइजन है एज सिग्नेचर डेवलपर का, उसको एक बार जान लेते हैं, ताकि आपको इस डेवलपर के बारे में, इसकी जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उसके बारे में एक आपको कॉन्क्रीट, एक आपको क्रक्स में जानकारी मिल सके। जी बताइए। सो अगर मैं बात करूं भूपेंद्र जी, करीबन 17 मिलियन स्क्वायर फीट हम ऑनगोइंग चल रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन। ओके। मोर ओवर हम प्लान कर रहे हैं 5 से 7 साल के बीच में हम 30 मिलियन स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन के साथ डिलीवरी हम कर पाए, दैट इज़ वॉट वी आर प्लानिंग। काम करने के लिए बहुत आने वाला है, मोर देन, जैसे मैं आपके साथ पहले भी बात करी थी, मोर देन 500 acres ऑफ लैंड पार्सल हमारे पास है यूजुअली, जिसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। सो देर वुड बी लॉट ऑफ वर्क इन कमिंग फ्यूचर, लॉट ऑफ डेवलपमेंट, लॉट ऑफ सप्लाई फ्रॉम सिग्नेचर ग्लोबल एंड। ओके। आप देखेंगे फ्यूचर में सिग्नेचर ग्लोबल की जब टाउनशिप आएगी, तो वहाँ पर आपको रोड्स, कनेक्टिविटी, मॉल्स, कॉरपोरेट, रिटेल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब कुछ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें एक जो टाउनशिप में होती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सिग्नेचर को लेकर आपको कुछ इनपुट्स मिले होंगे कि सिग्नेचर की क्या प्लानिंग्स है, सिग्नेचर ने क्या आप तक डिलीवर्ड करा है, और फ्यूचर में वो क्या करने जा रहा है। सबसे पहले मैं मनोज जी का थैंक यू करूंगा, उन्होंने टाइम निकाल के हमें सिग्नेचर के बारे में ये इनपुट दिए। थैंक यू भूपेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।